फ्रेंड आप देख रहे हैं अक्षय द बेस्ट वीडियो मेकर, और इस वीडियो में मैं आपको अपने आइडेंटिफाई पार्ट के बारे में बताने वाला हूँ। आइडेंटिफाई पार्ट आप मेरी कुछ वीडियोस में देखते होंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आइडेंटिफाई पार्ट होता क्या है। जैसे आप समझ लीजिए, एक वीडियो थी हाउ टू मेक अ ट्रेंड्स मैजिक, तो उस वीडियो के सबसे लास्ट में मैंने एंड स्क्रीन तो डाली थी, पर वो जो एंड स्क्रीन था वो उसमें वो एक आइडेंटिफाई पार्ट था। मतलब आइडेंटिफाई पार्ट में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आइडेंटिफाई पार्ट क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइडेंटिफाई पार्ट में जैसे मैंने कोई वीडियो बनाया जिसमें मैं बता रहा हूँ, जैसे ट्विंस मैजिक वाला ही, आप मेरे चैनल पर जाइए तो एक वीडियो आपको मिलेगा जिसका नाम ट्विंस मैजिक है। तो उस ट्विंस मैजिक वाले वीडियो में सबसे लास्ट में एक एंड स्क्रीन मैंने डाली थी, पर वो जो एंड स्क्रीन था वो मैंने खुद बनाई थी, और वो एंड स्क्रीन ही आइडेंटिफाई पार्ट था। तो जो आइडेंटिफाई पार्ट वो था, जैसे समझ लीजिए वो आइडेंटिफाई पार्ट था ट्विंस मैजिक का, और दूसरा आइडेंटिफाई पार्ट था पावर डायरेक्टर ट्यूटोरियल्स का। तो जो वो वाला ट्विंस मैजिक, मतलब बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं वो वाला ट्विंस मैजिक, पावर डायरेक्टर ट्यूटोरियल का मतलब वो हो गया। तो उस और मैंने ट्विंस मैजिक वाले में बताया था कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ पावर डायरेक्टर के लिए, तो मैं ये क्यों डालता हूँ पावर डायरेक्टर ट्यूटोरियल्स, मैं ये क्यों डालता हूँ, तो वो मैंने आपको बताया था उस आइडेंटिफाई पार्ट में मैं क्यों डालता हूँ। जैसे मैं दो वीडियोस में बताया था पावर डायरेक्टर के बारे में कुछ, तो उस आइडेंटिफाई पार्ट का मतलब क्या हुआ, मतलब उसमें मैंने आपको ये बस बताया कि हम कि इस वीडियो में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको समझ नहीं आए, तो वो आइडेंटिफाई पार्ट में मैं आपको बता दूँगा। तो वो जो बैकग्राउंड चेंज करने वाला था, और ये बैकग्राउंड चेंज करने वाला था, और टू रियलिस्टिक गेम्स वाला था, और ट्विंस मैजिक वाला था, उसमें वही चल रहा था, ये पावर डायरेक्टर ट्यूटोरियल्स का वो आइडेंटिफाई पार्ट। अब टू रियलिस्टिक गेम्स में मैंने ये बताया था कि जब मैं यहाँ पर आपसे बोल रहा था, तो ये जो अभी जैसे मैं ये बोल रहा था, तो मेरे जो बैकग्राउंड था वो मेरी बालकनी थी, मेरे घर की बालकनी, उसमें मैंने आपको ये बताया, ठीक है। तो वो ठीक है, पर आइडेंटिफाई पार्ट में बस ये समझ लीजिए कि आइडेंटिफाई पार्ट में अगर आपको उस वीडियो में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आइडेंटिफाई पार्ट का मतलब लास्ट सीन, उसका एंड होने वाला वीडियो का लास्ट सीन जो होता है, मैं आपको उसमें बता देती हूँ। तो यही था आइडेंटिफाई पार्ट का मतलब। तो आज की वीडियो ये खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो बाय बाय। ओके, अब मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।